दोस्तों, भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। जब मध्यकाल में भारत पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए थे तो भारत के राजा महाराजाओं ने अपने धन संपदा को बचाने के लिए बहुत सारे गुफाओं में छुपा दिए थे। इनमें से कई खजाने तो इतने विशाल थे कि आज की तारीख में अगर भारत को मिल जाती तो भारत की आर्थिक स्थिति अमेरिका से भी बेहतर हो सकती। एक ऐसे ही खजाने के बारे में हम लोग आज बात करेंगे इस वाले वीडियो पे। दरअसल कहा जाता है कि राजस्थान की जयगढ़ किले में ऐसा खजाना छुपा है जो कि पूरे भारत को अमीर बना सकता है। जयगढ़ किले का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि आज भी अरबों खरबों का खजाना सोना चांदी हीरे जवाहरात के रूप में यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, सवाई जय सिंह मुगल बादशाह अकबर के सेनापति, और कहा जाता है कि जय सिंह के वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर और राजा जय सिंह के बीच एक संधि हुई थी कि राजा जय सिंह जिस भी राज्यों को युद्ध में पराजित करेंगे वहां पर अकबर का शासन चलेगा, लेकिन वहां से मिले धन संपदा पर राजा जय सिंह का अधिकार होगा। और पुराने दस्तावेजों के हिसाब से राजा जय सिंह ने बहुत सारे राज्यों से बहुत सारे धन संपदा एकत्रित किए थे, और इतने सारे धन संपदा को जय सिंह ने बहुत सारी किले में छुपा कर रखे थे। उनके पश्चात जय सिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किए थे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस खजाने के बारे में सरकार को कैसे पता चला। दरअसल जयगढ़ के पुराने किलेदार के वंशज बाला बुक्स के पास चमड़े के कुछ दस्तावेज थे और जय सिंह पवस के पास जय सिंह का लिखा हुआ कुछ दस्तावेज मौजूद थे। उनके मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों ने सरकार द्वारा घोषित इंडियन ट्रेजरी प्रोब एक्ट में खजाने बताने वाले को खजाने का 2% हिस्सा मिलने के लालच में सरकार को इस खजाने के बारे में सूचना दी गई थी। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के बड़े ओहदे पर रहे राव कृपाराम के पुत्र राव कस्तूर चंद्र के परिवार ने इसी तरह का एक दस्तावेज जयपुर के आखिरी महाराज सवाई भवानी सिंह को सौंप दिए थे, जिसमें बहुत सा विवरण था जो बालाबाग के परिवार के पास से मिले कागजात में थे। इसके अलावा अरबी पुस्तक तिलस्माती अंबेरी में भी उल्लेख है कि जयगढ़ किले में 7 शख्स के बीच सुरक्षित तरीके से दौलत को छुपाई गई थी। इतनी सारी बात सुनकर सरकार के कान खड़े हो गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 5 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की तलाश की, और खजाने की तलाश के लिए भारत सरकार ने सेना की 37वीं इंजीनियर कोर को खुदाई में लगाए थे। 5 महीने खुदाई करने के बाद सेना ने यह बताया था कि महज 230 किलो सोना चांदी का सामान यहां से मिला है। सेना ने इस सभी सामानों को एक लिस्ट बनाकर राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाया और उनके हस्ताक्षर लेके सामान को अच्छी तरह से सील कर दिल्ली ले गए थे। दोस्तों, ये खुदाई से मिली खजाने पे हमेशा ही विवाद रहा है, क्योंकि जब खजाने को लेकर सेना वापस दिल्ली निकल रही थी तो जयपुर से दिल्ली राजमार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और राजमार्ग की सुरक्षा के लिए हथियारबंद सेना को भी तैनात किया गया था। अफवाह ये भी है कि सारा ऑपरेशन इंदिरा गांधी के आदेश और संजय गांधी के निरीक्षण में हुआ था, और सामान जब दिल्ली पहुंचा तो सारा सामान दिल्ली के छावनी में रख दिया गया था। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी ने कहा कि यहां पर कोई खजाना नहीं मिला है, मगर इसी दौरान पाकिस्तान के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस खजाने में से पाकिस्तान का हिस्सा मांग लिए थे। दोस्तों, 11 अगस्त 1976 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखा था, और ये लेटर में लिखा था कि विभाजन के समय एक ऐसी अविभाजित खजाने के बारे में पाकिस्तान को जानकारी नहीं थी। विभाजन के पूर्व ये समझौता के हिसाब से जयगढ़ किले में मिली खजाने से पाकिस्तान का आधा हिस्सा बनता है। भुट्टो ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को पूरी आशा है जो खजाना मिला है उसमें से आधा हिस्सा पाकिस्तान को बिना कोई शर्त के मिल जाना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को एक लेटर लिखा था। अपने लेटर में इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि पाकिस्तान की दावे को हम पूरी तरह से जांच किए हैं और पाकिस्तान का कोई दावा यहां नहीं बनता है और जयगढ़ में कोई भी खजाना नहीं मिला है, पर सवाल यह है कि ये खजाना गया कहां। दोस्तों, इसके जवाब में जयगढ़ राजघराना का कहना था कि खजाना का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया था, पर दस्तावेजों के हिसाब से मानसिंह द्वितीय ने खजाने का एक बड़ा हिस्सा मोतीडुबरी में हिफाजत से अपने शासनकाल में रख दिया था। इसकी पुष्टि कोनेटा की जनरल की डायरी से भी होती है। इसमें लिखा है कि मानसिंह ने जयगढ़ के किलेदारों को बदल दिया था और बदलने के बाद भारी मात्रा में सामान यहां से कहीं और ले गए थे। पुराने लोग कहते हैं कि खजाने का पता चल गया था, लेकिन वहां पर काल भैरव का श्राप के चलते वो इसे निकालने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि काल भैरव के श्राप से संजय गांधी का भी अचानक मौत हो गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब जयगढ़ किले के अंदर अफसरों ने जय सिंह आवास को खजाने के बारे में पूछा था तो जय सिंह ने प्राचीन काल भैरव के मंदिर
मंदिर के तल को खोदने के लिए बोला था और इसके साथ ही श्राप के बारे में भी चताया था, लेकिन इस श्राप को सरकार ने ना मानकर सेना को खुदाई का ऑर्डर दिए थे। हालांकि इमरजेंसी के टाइम पर खजाने को खोजने के लिए सरकार ने 25 फरवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर घोषित कर दिया था। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह के प्रयासों के चलते मई 1982 में किले को दोबारा से राजघराने की संपत्ति घोषित कर दी गई थी। दोस्तों, भवानी सिंह को 11 दिसंबर 1982 को जब जयगढ़ किला मिला था तो उसके 3 दिन बाद ही वो इस किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे पंजीकृत कर दिए थे और 27 जुलाई 1983 को किले को सार्वजनिक कर दिया गया था। लेकिन खजाने के बारे में आज भी चर्चा होती है, आखिरकार ये खजाना कहां गया, क्या सच में यह कोई खजाना था यहां पर या फिर नहीं, या फिर इंदिरा गांधी झूठ बोल रही थी। इंदिरा गांधी जी सच बोल रही थी तो उस दिन दिल्ली से जयपुर रोड को पूरी तरह से बंद क्यों किया गया था? क्या श्राप के डर से इंदिरा गांधी ने वो खजाना वहीं पर छोड़ दिया है? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे ही अमेजी फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।